इस महीने की 25 तारीख तय हुई है, शादी से निकाह करेंगे और 2 महीने के बाद सज्जू को रुखसत करके ले आएंगे। तुम ठंडे दिल और दिमाग से इस प्रपोजल पर सोचो। मैं अभी बाज को इनकार नहीं कर सकता। उम्मीद है कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगी। मैंने जिंदगी में जिस चीज की ख्वाहिश की मैंने पा ली, अब तुम्हारी शादी बहाद से करवा के ही दम लूंगी। ये याद रखना, मैं मर जाऊंगी मगर बहाद से शादी कभी नहीं करूंगी। अखियां नू तेरी दीद दी बना चाहिए। अब कैसी तबीयत है ज़हीन? बहुत मारा था ना उन्होंने तुमको? तुम्हारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है, तो फिर ये कौन कर सकता है? पुलिस में क्यों नहीं रिपोर्ट कराई तुमने? दुश्मन जब अपने घर में हो तो पुलिस के पास जाने के बजाय गुस्से और सबर के घूंट पीने पड़ते हैं। अगर तुम्हारा इशारा मेरे भाई की तरफ है ना, तो बिल्कुल गलत है। मैं कसम खाने को तैयार हूँ कि शब्बीर भाई तो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते। मुझे आपकी झूठी कसमों पर कोई एतबार नहीं है। अच्छा चलो, गुस्सा थूक दो ना, खुशी का मौका है, चलो मुंह मीठा करो। आपकी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा ड्रामा करने के बाद मेरे कमरे में मिठाई लेकर आने की? मैंने अपनी खुशी से हाँ नहीं की है भाभी, सिर्फ अपने अब्बा की इज्जत रखने के लिए मजबूरी में हाँ की है। आप दोनों बहनों ने मिलकर मेरे माँ बाप की मजबूरी का फायदा उठाया है और अब मेरे कमरे में मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आ गई है। सहीन, तुम ऐसा कैसे मुझसे बात कर रहे हो? मैं तुम्हारी बड़ी भाभी हूँ। मुझे तो शर्म आ रही है कि मेरा आप जैसे लोगों के साथ कोई रिश्ता है। आप दोनों बहनों ने मुझे और मेरे माँ बाप को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अरे कसूर किसी एक का नहीं, तुम दोनों का है। जितनी रुसवाई तुम्हारी हुई ना, सज्जो की भी उतनी हुई है। अरे तुम तो एक मर्द हो, वो बेचारी लड़कियों की दुनिया जहाँ की बकवास और ताने सुन रही है। इसलिए हमने फैसला किया है कि तुम दोनों की शादी। ये शादी नहीं है, जबरदस्ती का तौक है जो आप लोग मेरे गले में डालना चाहते हैं। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम खुशी खुशी इस रिश्ते को कबूल कर लो, वरना मैं इस वक्त आपसे कोई बहस नहीं करना चाहता। चली जाए यहाँ से, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ और आइंदा अपनी सूरत भी मत दिखाइएगा। मैं तो सिर्फ तुम्हें मुबारकबाद देने आई थी। अच्छा चलो एक काम, पुरानी सारी बातें भुला कर इस रिश्ते को कबूल कर लो और चलो मुंह मीठा। आप जाती क्यों नहीं है यहाँ से? क्या चाहती हैं आप कि मैं छोटे बड़े का लिहाज भी भूल जाऊं? मैंने तुझे मना किया था ना इस कमरे में मत आना, फिर क्यों आई है तू? अम्मा मैं तो सिर्फ इसका मुंह मीठा करवाने आई थी। कोई जरूरत नहीं है, मेरा बेटा अपनी मर्जी या खुशी से ये शादी नहीं कर रहा और जबरदस्ती जोड़े हुए रिश्ते कभी भी पायदार नहीं होते। काश ये बात तेरी बेशरम और आवारा बहन को समझ में आ जाती। बस कर दे अम्मा, बस कर दे, मैं अपनी बहन के बारे में एक लफ्ज और नहीं सुनूंगी। सुनना तो पड़ेगा, तुझको भी और तेरी उस आवारा बहन को भी। हम अपने दिल पे पत्थर रखकर निकाह करके उसको इस घर में तो ले आएंगे, लेकिन ये बात उसको अच्छी तरह से समझा देना कि इस घर में उसको वो मकाम और वो इज्जत नहीं मिलेगी जिसके सोने खाक सजाकर वो इस घर में आ रही है। अरे मेरी बहन को इस घर की बहू बना के आपको एहसान नहीं करेंगी। जितना मेरी बहन कसूरवार है ना, ये भी उतना ही कसूरवार है। इसी ने मेरी बहन को अपनी चिकनी चुपनी बातों में फंसाया था, वरना मेरी बहन तो इतनी मासूम और शरीफ है, आप तो जानती हैं। बस मुझे अब और कुछ नहीं सुनना है, खुदा का वास्ता है चली जाए मेरे कमरे से। हाँ हाँ जा रही हूँ जा रही हूँ, पर जाने से पहले एक बात आप दोनों को बताती चलूँ। अगर मेरी बहन के साथ इस घर में कोई जुल्म और ज्यादती हुई तो पूरे खानदान को उसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और तुम, अगर तुमने मेरी बहन को खुशी खुशी नहीं अपनाया ना, तो मैं अपने बच्चों को ले जाऊंगी इस घर से और पूरी जिंदगी उनकी शक्लें नहीं देखने दूंगी तुम लोगों को, समझे? सारा, तुम आज कितने दिनों बाद तुम्हें देख रहा हूं। मैं तो डर ही गया था, शायद जिंदगी भर तुमसे नहीं मिल सकूंगा। हमारे मुकद्दर में यही लिखा, तुम प्लीज जाओ यहां से। ऐसा मत कहो सारा, प्लीज भुला दो सारी बातें। मैं तुमसे मिलने इस उम्मीद से आया था कि अब कोई उम्मीद मत रखो रूम, अगर मुझे पता होता तुम यहाँ पर हो तो यहाँ पर कभी भी ना। प्लीज सारा, प्लीज रूमी की एक दफा बात सुन लो प्लीज। तुम लोग बैठो, मैं अभी आती हूँ। सारा
कितनी दफा मैंने तुम्हें कहा है कि बस अब मुझे भूल जाओ, हमारी दोस्ती बस यहीं तक, अब हमारे रास्ते जुदा हैं। तुम्हें क्या जरूरत थी उस दिन अपने दोस्त से कॉल करवा के मुझे हॉस्पिटल बुलाने की? तुम्हें पता है तुम्हारी इस बचकाना हरकत की वजह से पापा कितने अजाब से गुजरे? मैं भी लगता है फोन कॉल मैंने करवाई थी। वो नंबर तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड फवाद का था, शुक्र करो बाबा को पता नहीं चला, वरना उसके साथ तुम भी हवालात में जाती। फवाद से मेरी दोस्ती खत्म हुई, एक अरसा हो चुका है, और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो। जो तो लगता है इस मामले में भी शाजमा इन्वॉल्व है। तेज हिलाकर बोल दिया होगा फवाद को तुम्हें कॉल करने को। क्या? हाँ तो वली को भी तो उसने पैसे देकर मिला लिया था ना अपने साथ। वो औरत बहुत खतरनाक है सारा, बच कर रहा उससे वरना तुम्हें बर्बाद कर देगी। मुझे अब चलना चाहिए। रुको, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। तुम्हें सबकी परवर, सिर्फ एक मेरी नहीं है। क्योंकि तुमने लोगों की तंजिया नजरों और सवालों का सामना नहीं किया। मुझे और मेरे बाबा को हर रोज करना पड़ता है। खुश रह लोगी मेरे बगैर? हाँ रह लूंगी। प्लीज प्लीज सारा, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। मासी को भुला दो, इसी में हम दोनों की बेहतरी है। तुम क्यों अपने माँ बाप को मेरी खातिर नाराज करने पे तुले हुए हो? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह पत्थर दिल नहीं हूँ सारा, जो अपनी माँ बाप की जिद पर अपनी मोहब्बत कुर्बान कर लो। तुम्हें मेरी जिंदगी हो, मेरे जीने की वजह हो, ऐसा कैसे मुमकिन है कि मैं तुम्हें बुलाकर आगे बढ़ जाऊं? तुम जल्दी कोई फैसला कर लो, मैं तुम्हारी खातिर सब छोड़ने को तैयार हूं। और मॉम ने भी मुझसे वादा कर लिया कि वो मेरी तुमसे शादी कराने में मेरा साथ देंगी। ऐसा सोचना भी मत, ये नहीं हो सकता। मोहब्बत करने वालों के रास्तों में मुश्किलें आती हैं, और मैं तुम्हारे लिए हर मुश्किल से गुजरने को तैयार हूं। सारा मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, ये तुम्हें हर हालत में हर कीमत पर हासिल करना चाहता हूं। सारा सारा प्लीज वेट, सारा लिसन, आप आज जल्दी घर आ गए? तुमसे कुछ पूछने के लिए घर जल्दी आना पड़ा। क्या? कहाँ गई थी तुम? मैं अपनी फ्रेंड अलिश्वा के साथ लंच करने गई थी। झूठ! इतना कुछ होने के बावजूद तुम मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही हो, मेरे मना करने के बावजूद तुम रूमी से मिलने गई? नहीं बाबा, वो मैं, मेरा यकीन करें। मैं तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं करूंगा। इसी हफ्ते मैं वहाज के साथ तुम्हारा रिश्ता तय कर रहा हूं, बल्कि निकाह कर रहा हूं। नहीं बाबा, आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं रूमी से मिलने नहीं गई थी, ये यकीनन कोई शाजमा की चाल, वो आपको मेरे खिलाफ भड़का रही है। खामोश, शाजमा का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, उसे बदनाम मत करो। मैंने खुद तुम्हें रूमी के साथ रेस्टोरेंट में देखा था। हेलो वहाज, मुझे सारा के लिए तुम्हारे प्रपोजल पे कोई इतराज नहीं। तुम शाम को ही अपने ताया ताई को लेकर मेरे घर पहुंचो। हाँ, बाकी बातें बैठ के तय होंगी। जितना जल्दी हो सके मैं सारा के फर्ज से सुबकदोश होना चाहता हूँ। थैंक यू।
मगर मैं आपके इस फैसले को तस्लीम नहीं करती। आप मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट फैसला मुझसे पूछे बगैर कैसे कर सकते हैं? कर सकता हूं, बाप हूं तुम्हारा, अच्छा बुरा तुमसे बेहतर समझता हूं, पूरा हक होता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी का हर फैसला कर सकूं। मैं एक जीती जागती इंसान हूं, जमीन का कोई टुकड़ा नहीं हूं जिसको आप अपनी मलकियत समझ के कोई भी फैसला कर दें। क्या मेरी अपनी कोई सोच नहीं है, कोई पसंद नहीं है? अरे तुम्हारी पसंद पे तो मुझे भरोसा ही नहीं है। रूमी जैसे नालायक आदमी को पसंद करना सिर्फ हमाकत है। अरे जमीन आसमान का फर्क है बहाज और उस नालायक में। मैं उसको छोड़ चुकी हूँ बाबा, आपकी खुशी के लिए मैं अपनी पसंद से दस्तबरदार हो गई। अगर तुम अपनी पसंद से दस्तबरदार हो गई थी तो उससे मिलने क्यों गई? अरे मैंने अपनी आंखों से तुम दोनों को देखा था। नहीं बाबा, मैं अनिश्वा के स्टार पर। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम उसके साथ रास्ते में हो और छुप छुप कर मिल रही हो उससे। अरे तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी इतनी सारी हिमाकतों के बाद मैं दुनिया का सामना किस तरह कर रहा हूँ? तो आप चाहते हैं मैं अपनी जिंदगी घुट घुट के गुजारूं? एक ऐसा इंसान जिसे मैं पसंद ही नहीं करती, उसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी कैसे जी सकती हूँ? मैं तुम्हारी जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं करने दूंगा तुम्हें। रोमी से ज्यादा ही खुदकुशी है। मैं जानती हूँ ये फैसला आपने शाजमा की बातों में आकर किया। मैं और बहाज कंपैटिबल ही नहीं है, वो शाजमा का दोस्त था, ये सब जानते हुए मैं उससे कैसे शादी कर सकती हूँ? मैं उन लोगों को जबान दे चुका हूँ, अगर तुम्हें मेरी इज्जत का थोड़ा भी पास है तो उनके सामने तुम कोई ऐसी वैसी बात नहीं करोगे। मैं जबरदस्ती का कायल नहीं हूं, लेकिन ये सब कुछ करने के लिए मुझे तुमने मजबूर किया। आज के बाद तुम्हारा घर से जाना बंद, बाकी की पढ़ाई शादी के बाद मुकम्मल कर लेना। बाबा मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं ये शादी नहीं करूंगी। अरे शाजमा, शाजमा बता तो सही, हुआ क्या है, रो क्यों रही हो? ऐसे से कोई झगड़ा हो गया क्या? सब कुछ खत्म हो गया अम्मा, आपकी बेटी हार गई। इतनी कोशिशों के बावजूद मुझे कुछ नहीं मिला, सारा ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। अरे हुआ क्या, कुछ तो बताओ, मेरा दिल दहला जा रहा है, बोल तो सही। ऐसे ने सारा और बहाज का निकाह करने का फैसला किया है। ये सब कैसे हो गया? जैसा मैंने चाहा वैसा नहीं हुआ अम्मा, सब कुछ उल्टा हो गया। ऐसे ने सारा रूमी को देख लिया और उससे नाराज हो गए, मेरी बाजी पलट गई। परसों सारा और बहाज का निकाह करने का फैसला किया। अच्छा अच्छा अच्छा, तू रो मत, तू ना बहाज से बात कर। उसने तो मुझे धोखा दिया, वो तो फर्मा पर धारे में उसने अपना सर झुका लिया। मैं उसे माफ नहीं करूंगी, मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगी। उसको क्या लगता है वो मुझे धोखा देगा तो मैं ये दरगुजर कर दूंगी, उसको माफ कर दूंगी? वो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो मेरे घर में मेरा दामाद बन के रहेगा, कभी नहीं। क्या करोगी तुम? सब कुछ बर्बाद कर दूंगी, एक एक को बताऊंगी उसके कारनामे। शाजमा नाम है मेरा, खुद को धोखा देने वालों को मैं बख्शती नहीं। खुद को संभाल, पागल मत बनो, होश में आओ वरना खुद नुकसान उठाओगे। मेरा जो नुकसान होना था मैंने उठा लिया, अब उसकी बारी है, उसे माफ नहीं करूंगी मैं उसे एक ही घर में सारा के साथ किस तरह से देखूंगी? अरे शाजमा, अपने दिल पे जबर करके सब बर्दाश्त करना पड़ेगा तुम्हें, इतनी बड़ी चोट खाने के बाद भी तुझे अक्ल नहीं आई? खबरदार खबरदार जो तूने एहसन से कोई ऐसी वैसी बात की, एहसन के बगैर तो कुछ भी नहीं। अगर उसने तुझे छोड़ दिया ना तो सारे ऐशो आराम हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, हम वापस सड़क पे आ जाएंगे। कितने खुदगर्ज़ है, यहाँ मेरा यहाँ पे दिल जल रहा है और आपको अपने ऐशो आराम की पड़ी है? सबको अपनी पड़ी है, किसी को यह पता नहीं कि मेरे दिल पे क्या बीत रही है। अरे तुम्हारा ये पागलपन देखकर एहसन को शक हो जाएगा, उस बदबख्त मनोज बहाज की वजह से अपना बसा बसाया घर क्यों बर्बाद कर रही हो? सब कुछ बर्बाद हो गया अम्मा, अब बचा ही क्या है? अब रोने से कोई फायदा नहीं, कितना मना करती थी कि बहाज की बातों में नहीं आओ, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब पछताने से कुछ नहीं होता, तुमने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। बस कर जा मेरी जान, मैं तेरे लिए ठंडा पानी लाती, बस कर, रो रो के अपने को हिलकान कर। या अल्लाह,
मगर सारा बहाज को पसंद नहीं करती, हम कैसे उसकी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला ले सकते हैं? अगर आप इसी तरह अपनी जिद पर कायम रहे तो वो फिर से कोई उल्टी सीधी हरकत कर बैठेगी। पहले ही उसने आपको बहुत टेंशन दी है। सारा की इन्हीं उल्टी सीधी हरकतों की वजह से मैं ये फैसला लेने पर मजबूर हुआ। सारा की किडनैपिंग के बाद मैं किस कर्ब और अजियत में हूं, तुम लोग इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कोई एक दिन ऐसा नहीं गुजरता जब लोगों ने मुझे इस हवाले से ताने ना दिए। मैं अंदाजा लगा सकती हूँ बाबा, क्योंकि मैं भी उसी तकलीफ और अजियत से गुजरी हूँ जिसे आप गुजरे हैं। मैंने भी अपने ससुराल वालों के थंज और ताने बर्दाश्त किए और आज तक कर रही हूँ। इतना कुछ हो चुका उसके साथ, लेकिन उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे माना कि वहाज हैसियत में कम है, लेकिन वो हर लिहाज से परफेक्ट है सारा के लिए, कोई कमी नहीं उसमें। लेकिन इसे समझाए कौन, उसे अकल ही नहीं है। बाबा मगर जिंदगी तो सारा ने गुजारनी है, जब वो ही खुश नहीं तो कोई कैसे जबरदस्ती कर सकता है उसके साथ। बस मिला, अब सब कुछ तय हो चुका है, किसी बहस की गुंजाइश नहीं है। मैं चाहता हूं तुम सारा से बात करो, बड़ी बहन होने के नाते तुम उसे समझाओ। बेटा ये तुम्हारा फर्ज है कि तुम अपने बाप का साथ दो। ठीक है बाबा, मैं कोशिश करती हूं। हेलो, मैं तुम्हें कॉल करने वाली थी। मैं बहुत तन्हा हो गई हूँ बेला, तुम नहीं जानती शाजमा ने क्या खेल खेला है मेरे साथ, उसने मुझे बर्बाद कर दिया है। बाबा, बाबा वहाँ से शादी कर रहे हैं मेरी। मैं जानती हूँ तुम परेशान मत हो इस वक्त, मैं खुद वहाँ से तुम्हारी शादी के हक में नहीं हूँ, मगर मैं वहाँ से कभी भी शादी नहीं करूँगी। ये सब उस शाजमा की चाल है, वो जबरदस्ती मेरी शादी नहीं करवा सकती। हो सकता है कि वहाज तुम्हारे लिए बेहतर हो, बाबा तुम्हारे लिए कभी गलत फैसला नहीं लेंगे। बेला प्लीज, तुम भी बाबा की साइड ले रही हो। अगर बाबा ने शादी की जिद पाल ली है ना, तो फिर मैं भी उनकी बेटी, मैं भी अब किसी कीमत पे वहाज से शादी नहीं करूंगी। अब शादी तो मैं सिर्फ रूमी से ही करूंगी, देखना। सारा तुम ऐसी कोई हमाकत नहीं करोगी। सारा तुम जो चाहते थे तुम्हें मिल गया ना, अब मुझे क्या कहने आए हो? शाजमा तुम्हें सॉरी बोलने आए हो? सॉरी बोलने आए हो? तुम्हें क्या लगता तुम मुझे सॉरी बोलोगे मेरा दिल साफ हो जाएगा, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? हरगिज नहीं। प्लीज प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। तुम क्या समझाने आए हो तुम मुझे, कि मैं अपना मुंह बंद रखूं और एहसन को तुम्हारे बारे में कुछ ना बताऊं? शाजमा तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, क्योंकि इस सब में तुम्हारा भी उतना ही नुकसान होगा जितना कि मेरा। सोच लो वहाज, मुझे धोखा देकर तुम जिंदगी भर खुश नहीं रहोगे। तुम्हें इतना ऊंचाइयों में पहुंचाने वाली मैं हूँ, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें आसमान से जमीन में गिरा सकती हूँ। शाजमा मेरी बात सुनो, तो थोड़ी देर के लिए ये जज्बात की ऐनक उतार कर ठंडे दिलो दिमाग से मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मेरी सारा से शादी होने में हम दोनों का कितना फायदा है? सारा की बदौलत वो सब कुछ मैं अपने नाम करवा सकता हूँ जो एहसन के नाम है, जिसके हमने ख्वाब देखे थे। बस बहुत हो गया वहाज, अब मैं मजीद तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। मैं बेवकूफ सही, लेकिन तुम्हारे हाथों का पुतली नहीं बन सकती कि तुम मुझे हुक्म दो कि ये करो और वो करो और मैं करने को तैयार हो जाऊं। तो ये नहीं होगा मुझसे, तुम्हारी ये भूल है। तो तुम इस सारे मामले में मेरे साथ आवो नहीं करोगी? तुम क्या चाहते हो वहाज, तुम्हारे गले में फूलों के हार पहनाऊं, गोल्ड मेडल तो तुम्हारे इस कारनामे में? शाजमा प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मेरी सारा से शादी सिर्फ कुछ हफ्तों का खेल है, उसके बाद तो तुम होगी मेरे पास सारी जिंदगी। फिर तुम गिन गिन कर सारा से बदले लेना। वो कहते हैं ना कि दुश्मन को अपनी आंखों के सामने रखकर शिकस्त देने का मजा आता है। हम दोनों बाप बेटी का जीना दूभर कर देंगे। सारा को मजा चखाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। और जहाँ तक बात रही एहसन की, उसे बेवकूफ बनाना और उसकी जायदाद पर काबिज होना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं महाज।
आज तक मिला क्या है तुम्हें उससे? और तुम्हें क्या मिल जाएगा? सब कुछ मिलेगा। ना ओवर कॉन्फिडेंट। शाजमा जिसके पास अकल हो और कुछ पा लेने का जज्बा हो वो सब कुछ कर सकता है। ये अकल ना, ये अकल बहुत काम की चीज है, अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इंसान दुनिया फतह कर सकता है। याद रखना मेरी बात। तुम्हारी जायदाद में तुम्हारे पैसों से कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने तुमसे मोहब्बत की है, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। तुमने कहा था ना, जिंदगी के हर मोड़ पे, हर कदम पे मेरा साथ दो। आज वो वादा निभाने का वक्त आ गया। अखियां नू तेरी दीद दी बना चाहे। बस यहाँ रख दो। हाँ तुम भी ये यहाँ रख दो और भी लेकर आ जाओ। साबरा ये सब क्या है? वहां साहब के घर से फलों की पेटियां आई हैं। हिदायत ने साहब को फोन करके बता दिया था तो उन्होंने कहा कि डाइनिंग में रखवा दो। जब मैंने तुमसे साफ साफ कह दिया था कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी तो तुमने हमारे घर मिठाई क्यों भिजवाई है? ये बात आप अपने डैड से पूछिए। उन्हें की पसंद से शादी हो रही है? उन्हें अंदाजा नहीं है कि ऐसी जबरदस्ती करके हम दोनों की जिंदगियों को वो कितना अजियतनाक बना रहे हैं। इसमें सिर्फ मेरा ही नहीं तुम्हारा भी नुकसान होगा, समझे? तुम भी खुश नहीं रह सकोगे। सारा तुम अभी कम हो, कहां समझो। आने वाली वक्त की जो तस्वीर तुम्हारे पापा देख रहे हैं तो तुम नहीं देख सकते। जाहिर सी बात, उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही मुझे तुम्हारे लिए मुंतखब किया होगा। मैंने तुम्हारे लेक्चर सुनने के लिए फोन नहीं किया। मैं कोई ना समझ या बेवकूफ लड़की नहीं हूँ, अपने फैसले खुद कर सकती हूँ। तुम सिर्फ बाबा से फोन करके कहो कि तुम्हें ये रिश्ता नामंजूर है, बस। मैं ऐसा कुछ नहीं, कभी नहीं। खुश हो रहे हो ना? तुम्हारी खुशी को हाथ में ना मिलाया तो मेरा नाम भी शासमान। सही, तुम कहाँ थे? इतने दिनों से मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? जी वो तबीयत खराब थी मेरी। साबिर चाचा ने बताया तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अब काफी बेहतर हूँ। आप बताएं आप कैसी हैं? यूनिवर्सिटी जा रही हैं? बाबा ने मेरे घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी है। मेरा बहाज के साथ रिश्ता तय कर दिया और अगले 2 दिन के अंदर अंदर मेरा निकाह कर देंगे। क्या बहाज के साथ निकाह? आप बहाज के साथ शादी नहीं करेंगी? आप फौरन इनकार कर दे। नहीं कर सकती इनकार,
बाबा ने सब कुछ तय कर दिया। वो आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्हें अंदाजा नहीं है कि वहाज एक नंबर का धोखेबाज, झूठा और मक्कार इंसान है। आप परेशान मत हो, मैं असन साहब से बात करता हूँ, वो आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अब बात करने का वक्त नहीं रहा है जहीन। जब बाबा मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है तो वो तुम्हारी बात क्यों सुनेंगे? अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं। नहीं, आप ऐसी कोई हिमाकत नहीं करेंगे। मैं कल खुद जाकर एहसन साहब से बात करूंगा, चाहे वो मुझे जो कुछ भी कहे, मुझे उसकी परवाह नहीं है। मैं आपकी जिंदगी बचाने की खातिर अपनी जॉब भी खतरे में डाल दूंगा, मगर आपने इस बार कोई हिमाकत नहीं करी। समझ रही है ना मेरी बात? एहसन साहब को अंदाजा नहीं है कि वो अपनी बेटी के साथ कितना बुरा कर रहे हैं। काश मैं शादी रुकवा सकता। ऐसा क्या करूं यार, मैं ऐसा क्या करूं? अपनी मासूम बेटी को किस अयार आदमी के हवाले कर रहे हैं? जहीन बेटा, बैठे बैठे क्या सोच रहे हो? पता भी है कि शादी का घर है, इतने सारे काम पड़े हुए, लेकिन तुम किसी भी काम में दिलचस्पी नहीं ले रहे हो। जानती है ना, मैं ये शादी नहीं करना चाहता, सिर्फ आप लोगों की खुशी की खातिर मैं ये कड़वा घूंट पी रहा हूँ। तो तुम क्या समझते हो, हम सब लोग बहुत खुश हैं इस शादी से? लेकिन क्या करें, रस्में निभानी पड़ती हैं, दुनियादारी निभानी पड़ती है बेटा। प्लीज मैं ये निकाह नहीं कर सकता, मैं सज्जो से शादी नहीं करना चाहता। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, पागल हो गए हो क्या? निकाह की सारी तैयारियां हो गई हैं, रिश्तेदारों को खबर पहुंचवा दी है निकाह की हमने। अब मुझे नहीं करनी है ये शादी, आप क्यों नहीं समझ रही है मेरी बात? मैं तुम्हारे दिल की हालत समझती हूँ, माँ हूँ मैं तेरी, लेकिन शरीफ आदमी अपनी जबान से नहीं भरता। अच्छा नहीं कर रहे आप लोग मेरे साथ, क्या जरूरत थी ये सब कुछ इतनी जल्दबाजी में करने की? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि इतनी जल्दी क्यों मचाई जा रही है। खैर, शाम को मेरे साथ बाजार चलने के लिए तैयार रहना, अनवर अकेले काम कर करके थक गया है, तुम्हें चलना है मेरे साथ, ठीक है? तैयार रहना। नहीं। बस कुछ नहीं सुनना मैंने। तुम जल्दी कोई फैसला कर लो, मैं तुम्हारी खातिर सब छोड़ने को तैयार हूं। वहाज से शादी नहीं करूंगी रूबी। सारा, क्या वो तुम रो क्यों रही हो? बस रूबी, मैंने सोच लिया, मैं ये निकाह नहीं करूंगी। अगर बाबा अपनी जिद के पक्के तो मैं भी उनकी बेटी, अगर वो मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं भी उनकी बात नहीं मानूंगी। तुम
तुम मेरे पास आ जाओ सारा। हाँ शायद यही आखिरी हल। हम निकाह कर लेते हैं। खराब हो गया तुम्हारा? अपने बाप की मर्जी के बगैर तुम उस लड़की से निकाह करोगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर उसका बाप यहाँ पुलिस ले आया तो? आप फिक्र ना करें, मैं उससे वादा कर चुका हूँ, और निकाह के बाद उसके अब्बा भी कुछ नहीं कर सकेंगे। को अंदाजा नहीं है कि सारा की सूरत में कितनी बड़ी प्रॉपर्टी हाथ लगने वाली है। अरे सोने की चिड़िया है वो मां, इतना पैसा और जायदाद लाएगी कि आपकी सात नस्लें आराम से बैठकर ऐश करेंगी। बदनामी भी तो साथ लेकर आई, पहले भी एक बार घर से भाग चुकी, अगवा भी हो चुकी, और इस बात की क्या गारंटी है कि तुम दोनों का ये कदम उठाने के बाद एहसन तुम्हें अपना लेंगे, माफ कर देंगे? अरे मुझे तो लगता है कि कहीं वो जायदाद से ही आग ना कर दें। अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे? ऐसी अगवा शुदा बदनाम जमाने लड़की को अपने घर में रखकर? माशरे में ऐसी लड़कियों की कोई इज्जत नहीं होती बेटे। और बेटा मुझे ऐसी नाफरमान और बदकिरदार लड़की नहीं चाहिए। अपने खानदान के नाम पर कलंक का टीका है वो, अपने बाप की जिंदगी अजीरन की हुई उसने, यहाँ आ गई तो मेरा सुख चैन सब बर्बाद कर देगी। सारा सारा तुम अभी आ गई इतनी सुबह? सारा सारा वेट, सारा एक मिनट, मेरी बात तो सुन लो, रुक जाओ। सब सुन चुकी और तुम्हारी असलियत भी देख चुकी, अब और कुछ नहीं सुनना मुझे। तुम्हें सुनना ही पड़ेगा, ये जो भी तुमने सब सुना ये सब झूठ था। ये तुम अपने माँ को राजी करने के लिए कह रहा था। तुम्हारी जायदाद में तुम्हारे पैसों से कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने तुमसे मोहब्बत की है, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं। मत लो मोहब्बत का नाम अपनी गली जबान से। गलती की मैंने कि मैंने तुम जैसे इंसान पे भरोसा, तुम तो लायक ही नहीं हो मेरे। गलती मेरी थी जो तुम जैसे लालची और झूठे इंसान पे मैंने आंख बंद करके एतबार किया। अब आंखें खुल गई हैं मेरी, मुझे खोकर बहुत पछताओगी सारा। मैंने तुम जैसे गलत इंसान पर भरोसा करके सिर्फ अपना वक्त जाया किया। आज के बाद कभी कांटेक्ट मत करना मुझसे, नफरत करती हूँ मैं तुमसे, नफरत। अरे सोने की चिड़िया है वो मां, इतना पैसा और जायदाद लाएगी कि आपकी सात नस्लें आराम से बैठकर ऐश करेंगी।
सारा कहां हो तुम? मैं पूछ रहा हूं कहां हो तुम? जहां भी हो फौरन घर पहुंचो। सादा और मासूम लड़की है। अपने दोस्तों और दुश्मनों की पहचान करना सीखें। जिस दिन उनका असल चेहरा आपके सामने आएगा ना, नफरत होने लगेगी आपको उनसे। हेलो, हेलो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। मैं 15 मिनट में तुम्हारे घर के बाहर तुम्हें पिक करने आ रही हूँ। दरवाजे पे इतनी जोर जोर से हॉर्न कौन दे रहा है? मैं एक काम से बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। जल्दी आ जाना बेटा, शादी वाला घर है, 100 काम होते हैं घर में, ठीक है? जल्दी आ जाना। जिंदगी के हर मोड़ पे, हर कदम पे मेरा साथ दोगे, कभी मुझे तन्हा नहीं छोड़ोगे। आज वो वादा निभाने का वक्त आ गया है। बताओ, मेरा साथ दोगे क्या नहीं? हाँ, दूंगा। तो ठीक है, फिर मुझसे निकाह कर लो, अभी और इसी वक्त। अखियां